हिंदू लड़की पढ़ेगी नमाज कोर्ट के आदेश के बाद। देवभूमि में नमाज पर संग्राम, साजिश से किसका बनेगा काम। पहाड़ की लड़की जाएगी दरगाह, पुलिस से ये सुरक्षित पनाह। देवभूमि पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि हाल ही के दिनों में जिस तरह से देवभूमि में एक जाल बिछा है वो अब इंसान को शिकार बना रहा है, क्योंकि हिंदू लड़की ने नमाज पढ़ने का ऐलान किया है। पूरा मामला बताएंगे तो आपकी भी नींद उड़ जाएगी, लेकिन उससे पहले जानिए कि उत्तराखंड के साथ क्या खेल हो रहा है। पहले मजारे फिर मस्जिदों के निर्माण के बाद पहाड़ पर एक और मामले ने तूल पकड़ा है। अचानक एक हिंदू लड़की नमाज पढ़ने की जिद करने लगी, जिसके बाद से देवभूमि में हलचल तेज हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हिंदू लड़की नमाज पढ़ना क्यों चाहती है। देवभूमि में इस तरह का ये पहला मामला है जिसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। हम जिस हिंदू लड़की की बात कर रहे हैं उसे पता था कि अगर वो नमाज की बात करेगी तो विरोध और हंगामा होगा। शायद यही सोचकर हिंदू लड़की ने ऐसा फैसला लिया कि पुलिस की सुरक्षा में नमाज पढ़ेगी। हिंदू लड़की का नमाज पढ़ने के ऐलान के बाद से हर कोई सकते में है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। पहले पहाड़ की जमीनों पर खूब मजारे बनाए गए जिस पर सरकार बुलडोजर चला रही है। अब हिंदू लड़की नमाज पढ़ने की मांग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट जाकर हिंदू लड़की ने नमाज पढ़ने इजाजत मांगी और सुरक्षा भी। जब हाईकोर्ट ने पूछा वो नमाज क्यों पढ़ना चाहती है तो लड़की ने ऐसा जवाब दिया जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। लड़की के बयान से साफ हो जाता है कि पहाड़ के साथ कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। अगले एक मिनट में हम आपको बताएंगे कि हिंदू लड़की ने कोर्ट में क्या कहा और नमाज पढ़ने की जिद क्यों कर रही है। क्या किसी ने ब्रेन वॉश किया या फिर बात कुछ और है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक हिंदू लड़की ने याचिका दाखिल कर कलियर शरीफ में नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी। अनुमति के साथ हिंदू लड़की ने सुरक्षा दिए जाने की मांग भी की। दरअसल मध्य प्रदेश की भावना हरिद्वार स्थित सिडकुल में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। उसके साथ फरमान नामक युवक भी कंपनी में ही नौकरी करता है। लड़की ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उसका नमाज पढ़ने का मन करता है और वो अपने सहकर्मी के साथ कलियर शरीफ में नमाज पढ़ना चाहती है, लेकिन पिरान कलियर में नमाज अदा करने के लिए जब वो जाती है तो कुछ संगठन उसका विरोध करते हैं। लड़की ने याचिका में इसे अपने धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बताया। सुनवाई के दौरान जज ने हिंदू लड़की से सवाल किया और पूछा, आपने धर्म नहीं बदला है फिर आप वहां नमाज क्यों पढ़ना चाहती हैं? कोर्ट के सवाल पर याचिकाकर्ता ने जो बात कही, कोर्ट में मौजूद सभी लोग सुन रहे थे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इससे वो काफी प्रभावित है, इसीलिए वो नमाज पढ़ना चाहती है। कोर्ट को यह भी बताया कि उन्होंने शादी नहीं की है और ना ही वो अपना धर्म बदलना चाहती है। वो हिंदू धर्म की अनुयायी है और बिना किसी डर, आर्थिक लाभ, भय या दबाव के कलियर में इबादत करना चाहती है। भावना ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि हरिद्वार के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देशित करें उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा दिलाई जाए। कोर्ट ने भावना को नमाज पढ़ने पर सुरक्षा देने के आदेश करते हुए अगली सुनवाई 22 मई को तय की है।